तो द रीइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सायोन को यून ने साइकिक टावर दिखाया था, जिसे जब सायोन देखता है तो वह उसके अंदर के मिस्टीरियस पावर को फील करने लगता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सायोन को देखते हैं जो उस साइकिक टावर को देखते ही जा रहा था, मानो जैसे वह उसमें खो ही गया हो। तो सायोन की इस हालत को देख कर यून उसे बोलने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सायोन बोलता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भला मुझे क्या हो सकता है, वैसे आप मुझे ये बताइए क्या मैं इस साइकिक टावर के अंदर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और यहाँ पर सायोन ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब वह उस साइकिक टावर को देख रहा था तो उसे पता चल चुका था कि ये साइकिक टावर जैसा दिखता है वैसा नहीं है, बल्कि इसके पास अपनी एक हिडन पावर है, जिससे अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करूंगा तो मैं जरूर QI बिल्डिंग स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तो यून उसे बताती है कि हाँ तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हो, पर यह साइकिक टावर बहुत खतरनाक है, इसमें टोटल 9 लेवल है, और जैसे जैसे तुम यहाँ पर हाई लेवल पर जाते जाओगे वैसे तुम्हारे ऊपर उतना ही प्रेशर बढ़ते जाएगा, इसलिए तुम मेरी बात मानो तो तुम कभी भी 8 और 9 लेवल पर मत जाना, क्योंकि वहाँ का प्रेशर अलग ही लेवल पर होता है जिसे तुम अभी फिलहाल सह नहीं पाओगी। जिस पर सायोन बोलता है यून आप क्या बात कर रही हैं, इस टावर में तो टोटल 10th लेवल है। तो यून उसे बोलती है 10th लेवल पर तो आज तक कोई पहुँच ही नहीं पाया है, और रूमर्स की माने तो इस साइकिक टावर के सभी सीक्रेट्स तुम्हें 10th लेवल पर ही मिल सकते हैं। पर यहाँ पर सायोन ने तो ठान लिया था कि वह जरूर ही 10th लेवल पर पहुँचेगा, इसलिए वह यून को कहता है तो ठीक है मैं कल्टीवेशन करने इस साइकिक टावर में जा रहा हूँ, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं 10th लेवल पर पहुँच सकूँ। जिसकी बातों को वहाँ पर मौजूद आसपास के लोग सुन लेते हैं तो सायोन का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगते हैं कि देखो इस बच्चे को, अभी तो यह इस अकेडमी में ही आया है और यह बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, जो बोलकर वह लोग सायोन पर हंसने लगते हैं। जिनकी बातों पर ध्यान ना देकर सायोन उस टावर की ओर बढ़ने लगता है और अपने मन में सोचता है कि भले ही बाकी लोग 10th लेवल पर ना पहुंच सके, पर जरूरी नहीं है कि मैं भी ना पहुंच सकूं। जो बोलकर वह उस साइकिक टावर में एंटर कर जाता है, जहां जब वह इस साइकिक टावर के लेवल 1 पर होता है तो उसे यहाँ पर कुछ खास प्रेशर महसूस नहीं होता है, तो वह आगे के लेवल पर जाने लगता है, जो ऐसे करते करते लेवल 3 पे पहुंचता है, फिर लेवल 5 और फिर लास्ट में लेवल 7 पर, जहाँ आते ही वो अपने सामने एक बंदे को मरते हुए देखता है। जो बंदा इसलिए मरा था क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वह सह नहीं सका, जिसकी वजह से उसकी बॉडी यहाँ पर सरवाइव ना कर सकी, जिससे सायोन को पता चलता है कि इस लेवल 7 में कुछ तो बात है, इसलिए वह वहाँ पर एक अच्छी जगह कल्टीवेशन करने के लिए ढूंढने लगता है। जिसको ऐसा करता है देख दो बंदे जो वहाँ पर पहले से ही कल्टीवेशन कर रहे थे वह आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो इस बंदे को ये कितना वीक लग रहा है, पर इसके बावजूद ये लेवल 7 पर कैसे आ गया। जिसके बाद हम सायोन को देखते हैं जो चैट को भी बाहर निकाल कर उसे भी यहाँ पर कल्टीवेशन कराने लगता है। जो लोग जब कल्टीवेशन कर ही रहे थे तभी वहाँ पर झाव और उसका सर्वेंट आता है, जिसमें झाव का जो सर्वेंट होता है वह यहाँ पर मौजूद लोगों को यहाँ से भगाने लगता है, बोलता है यहाँ पर वो फैमिली के यंग मास्टर झाव आए हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और जो यहाँ पर नहीं जाएगा वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा। जो बोलकर वह कई सारे स्टूडेंट जो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे उन सभी को लातों घूसों से मार कर वहाँ से भगाने लगते हैं। जिसको ऐसा करता देख चैट देख लेता है तो वह तुरंत ही झाव के सर्वेंट पर अटैक करके उसके फेस पर पंजा अटैक कर देता है, जिससे झाव का सर्वेंट गुस्सा होकर चैट को जान से मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन जब चैट सायोन के पास रुक जाता है तो वह बोलने लगता है वो बच्चे अपना यह पेट मुझे दे दो, इसने मुझ पर आज अटैक किया है। और वह यहाँ पर सायोन को इसलिए नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल पर बहुत ज़्यादा फॉग होता है, जिसकी वजह से ही झाव का सर्वेंट सायोन को देख नहीं पा रहा था। तो सायोन खड़े होते हुए झाव के सर्वेंट को बोलने लगता है अच्छा तो तुम मेरे पेट को मेरे ही सामने मारना चाहते हो, क्या तुम भूल गए तुम्हारे मास्टर को मैंने कैसे कॉम्पिटिशन में हराया था। जिसकी बातों से झाव का सर्वेंट समझ जाता है कि ये जरूरी सायोन है, इसीलिए वह अपने मास्टर को आवाज़ लगाता है। तो झाव आते हुए सायोन को बोलने लगता है कि वहाँ पर तो तुम्हारी अच्छी किस्मत थी क्योंकि वहाँ पर डिनसू मौजूद थे जिनके सामने मैं तुम्हें कुछ कर नहीं पाया, पर यहाँ पर तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। जो बोलकर झाव अपने सर्वेंट से सायोन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर झाव का सर्वेंट सायोन के पास जाकर उसे बोलने लगता है कि अगर आज तुम मेरे मास्टर के सामने घुटने के बल बैठ कर उनसे अपने गलतियों का माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें आज जान से नहीं मारूंगा। जो बोलकर झाव का सर्वेंट सायोन पर प्रेशर डालने लगता है, पर यहाँ पर तो सायोन को इससे कुछ असर ही नहीं पड़ता, उल्टा सायोन उसे पंच मार कर पीछे भेज देता है, जिसके साथ ही सायोन अपने फास्ट मूवमेंट का यूज कर झाव के सर्वेंट के पास जाकर उसे कई सारे पंचेस मार कर वहीं पर बेहोश कर देता है। तो अपने सर्वेंट की हालत को देखकर झाव तुरंत ही सायोन पर अटैक कर देता है,
पर इसके लिए सैन पहले से ही तैयार था, तो वह झाओ के अटैक को काउंटर अटैक करता है। जिन दो लोगों के अटैक के टकराने के इम्पैक्ट से वहां पर पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, पर लास्ट में सैन अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके झाओ को पीछे भेज देता है, जिसकी वजह से झाओ के मुंह से अब ब्लड बाहर आने लगता है। तो झाओ बोलता है, अच्छा बच्चे, लगता है मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, तो ठीक है। जो बोलकर वो अपने एक स्प्रिट टूल को बाहर निकालता है। जो स्प्रिट टूल जब वो फायर यूनिकॉर्न बीस्ट झाओ पर अटैक करता है तो वह उसे प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पर यह स्प्रिट टूल इतना पावरफुल होता है कि लास्ट में जब वो फायर यूनिकॉर्न अपनी पूरी पावर से झाओ पर अटैक करने को बढ़ता है तो वह स्प्रिट टूल बीच में आकर झाओ को उसे बचा लेता है, जिसके कारण अब वह बीस्ट वहां से गायब हो जाता है। तो झाओ बोलने लगता है, बस बच्चे तुम्हें इतना ही दम था। पर यहाँ पर सैन तो बहुत स्मार्ट था, जो तुरंत ही झाओ के पीछे आकर अपने मिट्योर पंच टेक्निक का यूज करके झाओ पर कई सारे अटैक करता है, जिससे झाओ अब जमीन पर जा गिरता है। तो सैन उसका स्प्रिट टूल लेते हुए बोलता है, लगता है ये स्प्रिट टूल काफी पावरफुल है, तो ठीक है मैं तुम्हारे जान के बदले ये स्प्रिट टूल ले रहा हूँ, और वैसे भी तुम स्प्रिट टूल का क्या ही कर लोगे, तुम तो इतने वीक हो, और यह स्प्रिट टूल तो बस पावरफुल लोगों के लिए ही है। जो बोलकर सैन उस स्प्रिट टूल को अपने कंट्रोल में लेते हुए बोलता है, अब जबकि यह ट्रेजर मेरा हो ही गया है तो इसकी पावर टेस्ट करना तो बनता ही है। पर जाओ, तुम्हारे अलावा मुझे यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जो बोलकर सैन तुरंत ही स्प्रिट टूल को कंट्रोल करके एक अटैक जाओ की ओर करता है, जिस अटैक को देखते ही जाओ एक तालिस्मान ट्रेजर का यूज कर वहां से भाग जाता है, जिससे जब वहां पर धूल छटता है तो झाओ तब तक वहां से निकल चुका था। तो सैन जब वहां पर चेक करने जाता है तो उसे वहां पर अर्थ स्केप तालिस्मान ट्रेजर मिलता है, जिसको पाकर सैन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसे फ्री में दो रेयर ट्रेजर मिल गए थे। जिसके थोड़ी देर बाद सैन यहाँ पर कल्टीवेशन करता है, जो जब अपना यहाँ पर कल्टीवेशन खत्म कर लेता है तो लेवल 8 पर जाने का सोचता है, क्योंकि यहाँ पर उसे जल्दी से जल्दी क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर बनना था। तो वह तुरंत ही लेवल 8 के लिए निकल जाता है, जहाँ जब वह जैसी लेवल 8 पर पहुँचता है तो उसे यहाँ पर काफ़ी अजीब लगने लगता है, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।